हाय गाइस, आई एम प्रतिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा सीरियस पेरेंट। तो गाइस, जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था उसमें जो मैंने एक रूटीन, जो एक कॉपी, मेरा हर अटेम्प्ट के लिए मैंने एक अपना सेपरेट कॉपी बनाया था जिसमें मेरी डेली रूटीन लिखती थी, डेली का टारगेट लिखती थी एंड या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो भी होता था मैं सब उसमें लिखती थी। मैं वो आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे डेली रूटीन बनाना है जैसे मैं फॉलो करती थी। प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो मेरा जो कॉपी था वो कुछ इस टाइप का दिखता था, थोड़ा पुराना हो गया गाइस, एक साल से ज़्यादा हो गया है। तो यह पहला जो मेरा पेज में वो था कि जून 2021 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो रिज़ल्ट है एंड मुझे दिसंबर 2021 में क्या रिज़ल्ट चाहिए था, मैंने वो लिखा था गाइस। सबका डबल मार्क्स मैंने लिख के रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं दिसंबर 2021 में फेल हो गई थी। तो यस, तो पेज कुछ इस टाइप से मैंने रिज़ल्ट लिखा हुआ है एंड सेकंड में कुछ खास है नहीं, मैं यहाँ पे जो डेट है वो डेट लिखती थी एंड मुझे नेक्स्ट डे क्या करना था वो लिखती थी, बट ये भी मैंने पूरा सेट कंप्लीट किया नहीं, सिर्फ 17 और 18 का लिखा हुआ है। यस गाइस, फिर मैं हर बार लाइक थोड़ा कहीं ना कहीं अगर आपका अटेम्प्ट लगता है ना तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। तो 2-3 दिन में पढ़ाई करती थी, फिर बीच में गैप रहता था, फिर पढ़ाई करती थी, फिर बीच में गैप रहता था। तो कहीं ना कहीं ये मेरा रीज़न था अटेम्प्ट लगने का। तो यस, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आप जैसे देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पर लिखती रहती कितना दिन बाकी है और कितना दिन अब बीत गया है, कितना दिन बाकी है, कितना दिन मुझे पढ़ाई करना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अक्टूबर में यहाँ पर 14 है, नवंबर का 30 डेज, दिसंबर में शायद 14 से एग्ज़ाम था, 15-16 से एग्ज़ाम होगा। तो यस, पूरा टोटल यहाँ पे 57 डेज है। फिर अक्टूबर का, फिर यहाँ पे लिखा है मैंने, फिर कितना दिन मुझे टेस्ट देना है, कितना दिन मुझे रिवीजन करना है, कितना दिन से कितना दिन मुझे कौन सा चैप्टर करना है, मैं ये लिख के रखती थी। एंड सेकंड पेज देखा जाए तो यस गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कैसे जो 210 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो गाइस। अब ट्रस्ट मी, मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी। जैसे आप देख पा रहे हो मैं पूरा सब्जेक्ट, जो भी एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागती थी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ले लेती थी एंड वेटेज वाइज प्रिपरेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वैसे ही करना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे अकाउंट्स पे मैं जो टारगेट रहता था पहले मैं वो अचीव करती थी, लाइक 80 मार्क्स का मेरा टारगेट, पहले मुझे वो अचीव करना है, पूरा होल अकाउंट्स का जो चैप्टर वो कंप्लीट करना नहीं, ऐसे मेरा ऐसा टारगेट नहीं रहता था। मुझे पहला था कि मेरा मेरा जो सेट टारगेट मैं वो अचीव कर लूँ, देन मैं थोड़ा और आगे बढ़ सकती हूँ। अब देख पा रहे हो मेरा अकाउंट्स 81 था, मैंने जो जो चैप्टर हो जाता मैं उसको फिर टिक लगाती थी, लाइक पहले लॉन्ग मुझे LLP कंप्लीट करना है, फिर कंपनीज, फिर पार्टनरशिप, फिर कॉन्ट्रैक्ट। यस, फिर दस अब देख पा रहे हो पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज, आप चाहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो ये ओवरऑल ये है गाइस। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैं टारगेट लिख के रखती थी, तो कंप्लीट कवर अकाउंट्स ऑल चैप्टर एज पॉसिबल, फिर MTP करती थी, जो M है ये MTP है एंड फिर पास्ट ईयर पेपर्स, अकाउंट्स का थ्योरी डेली पढ़ना था मुझे एंड यस, फिर ये सब ओवरऑल है। पूरा पेज दिखाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं जो इंपॉर्टेंट पेजेस है मैं वो दिखा दे रही हूँ आपको। जब देखते हैं मैथ्स के लिए मुझे थ्योरी, सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी कुछ इस टाइप से था, ये देखो 10 डेज 15 डेज 10 डेज ऐसा डेज बना के रखती थी। 7, 11, 21 का कुछ मैथ टारगेट था, कोरिलेशन करना है, फिर चैप्टर इको में चैप्टर 5 करना है, BCK में 4-5 करना है, कुछ इस टाइप से रहता था मेरा। हाँ, जैसे आप देख पा रहे हो मेरी इंपॉर्टेंट पेज है, जैसे मैं कैसे बनाती थी कि मुझे 5:30 बजे सुबह से लेके 8:30 बजे तक अकाउंट्स पढ़ना है 3 घंटा, फिर 9:30 से लेके 12:30 तक फिर लॉ पढ़ना है मुझे 3 घंटा, फिर BCR पढ़ना है मुझे 1 घंटा, इकोनॉमिक्स पढ़ना है मुझे 7 से 9 बजे तक पढ़ना था, फिर BCK मुझे 6 से 7 पढ़ना था, फिर रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैथ्स। टोटल ओवरऑल मैं लाइक 10 से 12 घंटा पढ़ाई करती थी गाइस, बट फिर भी अटैम्प्ट लग जाता था क्योंकि मैंने बहुत सा मिस्टेक किया है, लाइक एक दिन में सारा सब्जेक्ट पढ़ने का ट्राई करती थी जो कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, बस इसी वजह से अटैम्प्ट लग जाता था। इसलिए मैं बता रही थी कि आप अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेके चलो, हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो। यस, फिर देखिए टुमारो टास्क करके फिर मैं डेली का बनाती थी। मैं एक अलग एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि आप कैसे अपना डेली रूटीन लिख सकते हो, क्या प्रोसेस होना चाहिए एंड कुछ किस तरह से आप उसको अचीव कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, जब मैं लाइक
दो तीन दिन पढ़ाई की, फिर थोड़ा डिप्रेशन या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, टेम्पर टेम्प लग रहा है, लाइक कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। तो जो 3-4 दिन जो गैप कर देती थी, फिर एक अंदर से आता था मुझे पढ़ाई करना है, पास होना है। फिर जब मैं बैठती थी देखती थी जो भी 3-4 दिन पहले जो पढ़ाई किया था वो सब ख़त्म हो जाता था। तो फिर एक पेज लेती थी, फिर उसको मैं लिखती थी, अरे सब देख पा रहे हो, इज़ इट पॉसिबल टू सी ऑन योर रिजल्ट PASS पास। आप समझ सकते हो क्या फ्रस्ट्रेशन होता था गाइस उस टाइम पे, जो अगर आपका अटेम्प्ट अटेम्प्ट लग रहा है तो लाइक व्हाट टू डू, क्या कर रही हो, क्या करना चाहिए, तो बहुत सा बात हो जाता था राइट। तो मुझे सब देख के बहुत लाइक अभी अच्छा फील हो रहा है कि यस मेरा CA फाउंडेशन क्लियर हो गया है, अब मुझे रिजल्ट में PASS देखने को भी मिला। एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है गाइस, जैसे आप देख पा रहे हो ये टारगेट था मेरा लाइक कंपनीज कंसाइनमेंट जो मैंने वीडियो में बताया है। अगर आपका आप देखना चाहोगे अकाउंट्स में कि आप कैसे 60+ स्कोर सकते हो विद इन 15 डेज, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में भी दे दूंगी। तो आप देख पा रहे हो मैं जो खुद सच में फॉलो करती थी मैं वही वीडियो बताती हूँ, कुछ अलग सा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे कुछ स्पाइस लगा के नहीं बताती, जो मैंने खुद फॉलो किया था मैं वही बता रही हूँ गाइस। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने कंपनीज को कंप्लीट किया, फिर कंसाइनमेंट, फिर BRS सर्टिफिकेशन, जो जो इजी छोटे छोटे चैप्टर मैंने वो पहले कंप्लीट कर लिया था इसमें। जैसे आप देख पड़िए मैंने यहाँ पे MTP का टेस्ट दिया था गाइस, ये टेस्ट नहीं मतलब एक प्रैक्टिस जो होता है वो मैंने प्रैक्टिस किया था, ये MTP 1, MTP 2। तो ये यहाँ देखो 1 आवर्स थ्योरी पढ़ना है, फिर 3 घंटे में 15 सम्स करना है मुझे, 15 मिनट्स का जो बैकलॉग्स था वो कंप्लीट करना है 15 मिनट्स में। तो इस तरीके से आपको भी करना है। इम्पॉर्टेंट पेज लगा मैंने वो शेयर किया आपसे, तो आपको वैसे एक सेपरेट कॉपी बनाना है, उस पर अपना डेली का टारगेट लिखना है, उस पर टिक करना है। अगर आप चाहो तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ दूसरे वीडियो में अगर आपका कमेंट करोगे तो। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।